जतिन सर है इंदौर में पर मुलाकात ऐसे ज्यादा करते हैं <laughs> तो ये आउट ऑफ कोर्स भी है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होंगे एंड दैट इज द वे इट स्टार्टेड फिर धीरे धीरे अपने को समझ आएगी तो बढ़िया है लोग अपनी सुनते भी है तारीफ भी करते हैं आप जैसे आपने फेस टू फेस भी लिया आई थिंक टोटल आपको क्या बेटर है आपके लिए ऑनलाइन या फेस टू फेस देखो अब

आप बताओ सी को कौन सी चीज़ का एक्सपर्ट मना है तो फिर आई डिड केम बैक और मैंने डैड को मेरे बोला भी कि बोले यार आई एम नाउ फेड नाओ मैं नहीं पढ़ा सकता मैं कुछ और करता चलो थोड़ी मैंने ज्ञान की बात कर करी इट्स वन पार्ट ऑफ द लाइफ इट वॉन्ट टू ऑफ रिमेंबर दैट और ऑनेस्टली स्पीकिंग इट अ वेरी लॉन्ग फेस टू कम आउट ऑफ इट जैसे आप अपन तो पीते नहीं है पर बोलते ना यार कल रात को ज्यादा हो गई थी <laughs> तो टू ऐसा यूजली होता नहीं यू डोंट सी दो इमोशनल आउटब्रेक्स आउट राइट हे हे गाइस गाइस साइड फ्रॉम इंदौर स्वागत टू एवरीवन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सीजन 2 मेंटर स्टॉक के एक और नए एपिसोड के अंदर अब ऑब्वस्सी बात यार देखो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं हम वही फैकल्टीज को इनवाइट करते हैं और आप लोगों को मालूम है कि किसी भी फैकल्टी को इनवाइट करने से पहले बहुत सारे गूगल फॉर्म जाते हैं तो वो सब प्रोसेस आप लोगों को मालूम है लेकिन आज के जो हमारे साथ गेस्ट है यार आप सब लोग उनको जानते हो नाम बताने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक बार इंट्रोडक्शन करवा देता हूं हम सभी लोग स्वागत करेंगे सर सार्थक जैन सर सर कैसे हैं सर थैंक यू सर थैंक यू फॉर कॉलिंग योर एंड हाय हेलो एवरीबडी एंड सच अ नाइस प्लेस इन फैक्ट जन सर हैं इंदौर में पर uh, मुलाकात ऐसे ज्यादा करते हैं <laughs> सर हमको क्या लगता है कोई मुलाकात होना तो यादगार रहनी चाहिए <laughs> तो पहले थोड़ा सा आप ये बताइए कि जो आप एकदम खुश रहते हो जो एकदम यू नो मस्त मजे में रहते हो उसका रास क्या है सर मतलब वो चमक मतलब यंग मैं हूँ सर लेकिन चमक चेहरे की सर के पास है तो कहाँ से आ रही है सर वो सर शादी मेरी हुई उसको तीन चार साल हो गए उसके बाद से फिर मैंने रिज्यूम कर लिया पर आ, सर मतलब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का फॉर्मेट होता है तो मेनली जो क्वेश्चन है वो हमसे ज्यादा बच्चों के हैं ठीक है okay. तो बच्चे तो पूछना चाहते हैं और मैं बताना चाहता हूं सर वैसे आपको अभी तक क्वेश्चन बताया भी नहीं है यहाँ पे है लेकिन अलाउड नहीं रहा मजा मजा उसी का उसमें क्या होता है थोड़ा जो क्वेश्चन आते हैं वो एकदम अच्छे से आता है करेक्ट right, और ये आउट ऑफ कोर्स भी है तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होंगे <laughs> सर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो बच्चों का आता है वो ये है कि एक आपके फादर भी शायद सी रहे हैं राइट right. आप सीए हो तो सर ये लेगेसी कंटिन्यू कर रहे हो अब आपके बच्चे भी सीए करेंगे ऐसा क्या है <laughs> मतलब मोटिवेशन भी वहां से आ रही है इसके बारे में कुछ देखो सर बच्चे तो लगता नहीं है करेंगे क्यों क्योंकि वो देख के ही परेशान है <laughs> बट हाँ ये जरूर है कि फादर सीए थे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जरूर रहा डिसीजन मेकिंग में बट ऑनेस्टली मेरा जो डिसीजन था सी करने का वो कुछ अलग तरह से आया था तो uh, मेरे ब्रदर कर रहे थे इंदौर में आपको मालूम हुआ प्रेस्टीज कॉलेज है तो दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1999 तो पुराने हैं थोड़े हम तो उस समय उन्होंने प्रेस्टीज ज्वाइन किया था तब बी बी कोर्स था नया नया एम का छोटा फॉर्म जो आता है तो दैट वॉज वेरी हैप मतलब वो मैं देखता था कि हर हफ्ते उनकी पार्टी होती थी थीम पार्टीज और ये मतलब लाइफ हो तो ऐसी होना चाहिए तो तब डिसीजन ये हुआ तब मैं इलेवेंथ कर रहा था कॉमर्स में उन्होंने बोला यार कुछ भी हो जाए ये तो करना ही और कुछ नहीं करना प्रॉब्लम सारी हो गई सर ट्वेल्थ में ठीक ठाक मार्क्स आ गए मेरिट आ गई मेरी तो फिर उसके बाद जब हमने वो कॉलेज ज्वाइन किया तो लगा कि यार सिर्फ ये कॉलेज तो नहीं कर पाएंगे तो फिर डैड की तो बड़ी इच्छा थी कि यार वो सीए करे तो उन्होंने काफ़ी तरह से कोशिश करी पर हुआ नहीं तो फिर फाइनली मैंने समझ नहीं आया तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आ, उन्होंने बोला कि घर पे बात हुई कि यार समझ नहीं आ रहा है क्या करें सिर्फ ये तो करेंगे नहीं तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है अपन चलते हैं तो हमारे गुरु महाराज कम ज्योतिष थे जिनसे हम काफ़ी कुछ पूछते थे तो हम गए उनके पास कुंडली लेके तो उन्होंने कुंडली देखी और अपन तो नादान थे बाद में रियलाइज़ हुआ कि घर वालों ने कितना बनाया अपने को <laughs> कुंडली देख के बोला यार इसके में योग है कि ये कोई है ना ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन वाला कोर्स कर पाएगा फिर बोले नहीं नहीं अकाउंटिंग का कोर्स करवाएगा तो अपने को समझ नहीं आया कुंडली में अकाउंट्स कैसे लिखा हुआ मिलेगा बट एक्चुअल में ऐसा हुआ कि फिर ऐसा सोचा कि यार चलो एक अकेला नहीं तो साथ में कुछ करते हैं एंड देन आई कैउ टू सी ए फिर सी ए शुरू किया तो शुरू में तो कॉलेज में ज्यादा फोकस यहाँ पे कम बट देन ग्रेजुअली कोर्स इतना पसंद आया कि फिर सी ए कम्प्लीट किया मतलब एकदम एकदम अलग ही एकदम मतलब जिंदगी <laughs> कहाँ जहाँ लेके जा रही है खैर ये भी एक अलग ही फन है सर वो टीचिंग चलो ठीक है सी मान लिया आप टीचिंग क्यों जॉब क्यों नहीं मतलब बहुत सारे वेज हैं आपके पास जाने के लिए फिर टीचिंग क्यों सर देखो मतलब ऐसे देखा जाए तो लाइफ में पर से जब मैं पढ़ाता था इनफैक्ट जब मैंने अपनी फाइनल की स्टडी स्टार्ट करी थी उस समय साथ में मैं घर पर पढ़ाता था तो कुछ स्टूडेंट्स थे इंदौर के एक और अपनी फैकल्टी है ही वाज आल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट तो वो घर पे आते थे पढ़ने एंड छः सात बच्चों को मैं पढ़ाता था जब मैं फाइनल में था इंटर वाले स्टूडेंट्स को तो वो मैं एज ऐज़ हॉबी पढ़ाता था उस समय फिर उसके बाद फाइनल हो गया मेरी रैंक आई तो फिर आईटीसी में जॉब लग गई फिर आईटीसी टी रजिस्ट कर नहीं पाए गोल्ड फ्लिक्स के कारण नहीं क्लासमेट के कारण तो फिर मैंने वहाँ ज्वाइन किया दो तीन साल में वहाँ पर रहा पर वो क्या बिजनेस ब्लड था फैमिली का तो फिर वापस इंदौर आए फिर यहाँ ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैंने स्टार्ट करी प्रैक्टिस तो मैं शटर खोल के दुकान खोल के नौ बजे बैठ जाता था वो कॉरपोरेट की आदत लगी हुई थी अब वो इंदौर में नौ बजे किसी को फ़ोन लगा दो काम के लिए वो ऑफेंडेड फील करता था तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो रुके हुए थे फाइनल में वो आए और उन्होंने बोला कि सर आप आए हो वापस तो आपकी इच्छा है तो पढ़ा दो तो मैंने बोला यार सुबह मैं फ्री रहता हूँ आज से पढ़ा दूंगा तो आई रिमेम्बर मैंने सबसे पहले एस और ऑडिट की क्लास शुरू करी थी उस समय एंड दैट इज फिर धीरे धीरे अपने को समझ आया कि तो बढ़िया है लोग अपनी सुनते भी <laughs> है तारीफ भी करते हैं <laughs> so then gradually इं इंदौर के मामले में सर एक किस्सा है एक बार हमारे साथ कुछ लोग आए थे मतलब कुछ मुंबई से लोग आए थे बाहर से आए थे उनके साथ मीटिंग करनी थी उन्होंने दाल बाफ लिखा दाल बाफले खा के बकायदा हमने मीटिंग को पोस्टपोन किया और फिर नींद करी क्योंकि इंदौर आप में आया। यहां वैसा ही चलता है खैर <laughs> वो है। पर सर अब, बहुत, अब आपकी ऑल इंडिया रैंक आई थी तो आपकी फाइनल में रैंक आई है या पहले भी इंटर और सीपीटी मैंने है? जब जरूरत थी तभी मेहनत की सिर्फ फाइनल में थी और कहीं भी नहीं थी मतलब बाकी एकदम एकदम आपका स्टडी पैटर्न कैसा बचपन से स्टडी स्टूडियस रहे हो या फिर कैसा सर मतलब देखो दसवीं तक तो कुछ ऐसा अपने में था नहीं मतलब अपने को भी नहीं लग रहा था अपने में कुछ अंदर है

तो अब दोस्ती यारी रहती है आप छोड़ने की इच्छा थी नहीं तो अब डिसीजन हो नहीं रहा था कि यार कॉमर्स ले या क्या करें तो वहाँ पे अब ठीक ठाक थे तो हमने बात करी तो उन्होंने बोला ठीक है आप फीस भर दो और ज्वाइन कर लो सेंट पॉल ऐसे आपको मालूम बड़ा किफ़ायती है तो मैं तो सर मैं इलेवेंथ की उन्होंने मुझे क्लास ज्वाइन करने दी मैं फ़िज़िक्स की क्लास थी शायद फिजिक्स ही था अब समझ नहीं आया बायोलॉजी था या क्या तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि यार बताओ सूप गर्म अच्छा क्यों लगता है मैंने बोला यार ये क्या सवाल है तो फिर उन्होंने जवाब दिया कि बोले कोई टेस्ट ग्लैंड होते हैं जो गर्म से एक्टिवेट हो जाते हैं अच्छा। तो मुझे सब समझ में आ गया कि यार ये तो नहीं करना <laughs> उन्होंने एक सवाल और पूछा था सर <laughs> बोले यार ये ट्रैफिक लाइट रेड कलर की रुकने की और ग्रीन जाने की क्यों होती है अरे बाप रे तो मैंने बोला यार ये भी सवाल होता है क्या <laughs> फिर उन्होंने बताया कि लाल सबसे ज़्यादा दूर से दिखती है क्योंकि फ्रिक्वेंसी कम होती है तो तब अपन ने डिसाइड कर दिया कि फास्ट का लोगो तो रेडी होगा अच्छा लॉजिक कहीं है। वो काम आया आ... फिर मैं गया तो मुझे समझ नहीं आया फिर मैं कोई काउंसलर से मिला उसने बोला देख बहुत सिंपल है ये ग्लास है।, है, है या ये कितने में बनती है और कितने में बिकती है तेरा डिसीजन तय ते हो जाएगा मैंने बोला अपन तो कॉमर्स ही लेंगे पर बहुत यूनिक मतलब आपने जो अभी बात बताई वो बहुत अलग मतलब है बहुत मतलब आप अगर सोचना होगा तो लॉजिक तो सही है कि वो कैसे बनता है या फिर बेचना खरीदना है इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी इसको हम शॉर्ट करके रील्स में डालेंगे <laughs> <laughs> पर अब जैसे आपकी खुद की रैंक आई अलोंग विद इट बहुत सारे बच्चों की रैंक आई होगी टॉप बच्चों के मार्क्स आए होंगे आपको आपके पहले जो बच्चे के हाईएस्ट मार्क आए होंगे रैंक कुछ याद है जो फर्स्ट बच्चा रहा टू हमने स्टार्ट किया था सर तो रुचिका कारवा वॉज वन स्टूडेंट सी पी उसका टू थाउजेंड uh, जून में उसने एग्जाम दी थी एंड उसने इंदौर टॉप किया था ऑल इंडिया रैंक उस समय आती नहीं थी शायद या तीन ही आती थी ऐसा कुछ था okay. तो शी टॉप इंदौर और हमारी फर्स्ट बैच थी तो उसका भी एक वो इम्पैक्ट था बट वो स्टूडेंट सर फाइनल तक रही फाइनल में उसकी एट्थ रैंक थी ओके okay. और इतने सालों में फेस टू फेस में आई हैव सीन दैट वन पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसने सर किसी भी क्लास में ऐसा नहीं हुआ कि आज अपन जो पढ़ा रहे हैं hmm. वो घर से पढ़ के नहीं आई हो एंड आई ऑलवेज टेल दैट इफ यू वॉन्ट टू हैव अ श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी फॉर रैंक द फर्स्ट थिंग इज जो पढ़ा है वो नहीं अगले दिन जो क्लास में पढ़ना है वो पढ़ के आओ आई थिंक आप बहुत कंफर्टेबल रहो मैं भी अपनी क्लास में बहुत बारी बात कहता हूँ कि उस दिन का जो पढ़ा वो पढ़ो अगले दिन का पढ़ के आओगे तो डाउट्स पता पड़ेगा करेक्ट वेरी लॉजिकल वेरी लॉजिकल अब बच्चों को थोड़ा लगेगा क्या सही है <laughs> <laughs> पर सर देखो अब बहुत सारे बच्चे जो देखते हैं उनकी तो रैंक नहीं आती है एक तो ऐसे कोई बच्चे जिनकी रैंक नहीं आई हो लेकिन आपको दिमाग में आ तो भले वो आवारा टाइप के बच्चे हो तो भी याद ऐसा कोई बच्चा है आवारा तो ज्यादा याद रहता है ऐसा नहीं हमने एक कैक्टस प्रोग्राम शुरू किया था सर जिसमें सब स्टूडेंट्स रहते थे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके जुड़े हुए थे मतलब मेरे को याद है जब मेरी शादी हुई थी तो उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी एक रविश करके स्टूडेंट था तो वो बाइक पर मुझे पीछे बैठा के ले गया था सरप्राइज़ और ऐसा ही एक गार्डन था और वो एकदम से एकदम ऐसा ही पाथ था तो ये एक शानदार सा यहाँ पे सर का रिजॉर्ट बना हुआ है काइंड ऑफ दिस और वो लेके आया था बाइक पे मुझे कुछ भी पता नहीं था और वो बाइक पे लेके आया उसने मुझे बोला सर पीछे उल्टा बैठ जाओ मैंने बोला यार ये क्या करा रहा है और फिर मैं अंदर आया तो पूरी ऐसी वो बनी हुई थी रैम दोनों तरफ स्टूडेंट्स थे और ऐसा फील आया अपने को कि यार सेलिब्रिटी आ जाता है सर मतलब अब तो हलाल होना तय हो गया <laughs> पर अब जैसे अब अब जैसे आपने फेस टू तो फेस भी लिया आई थिंक टोटल आपको का एक्सपीरियंस हो गया जी क्या बेटर है आपके लिए ऑनलाइन या फेस टू फेस यार सर देखो अब

बिकॉज़ कहीं कहीं ना कही अगर आपके सामने एक बड़ा तो 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 लेते hey, uh, बोली थी सर जितने भी ग्रुप्स होंगे हर ग्रुप में एक बात चल रही है बोले टेक्नोलॉजी अभी डिस्कशन कर रहा था मैं, मैं बोला यार कुछ नया करना है क्या नया करें तो uh, फ्रेंचाइजी ग्रुप में था मैं एक, तो सबका मैसेज आया बोले सार्थक सर की वीडियो देखो। अच्छा। <laughs> फिर हम टीम में आपका सेटअप देखेंगे तो वो मेरे को बोलेंगे बोले जतिन अच्छा। सर का क्रे, देखो। भी तो होती है ना यार ऐसा इंटरेस्ट है या फिर कैसा है उसका टेक्नोलॉजी से सर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई के साथ साथ एक फील वाली चीज भी होती है कि स्टूडेंट देख रहा है तो उसको थोड़ा वैरायटी दिखे फील दिखे और मैं भी कुछ ऐसे वीडियोस देखता हूँ बाहर के यहाँ के अपने को लगता है यार इसमें ये चीज़ अच्छी है तो आप कॉपी कर लो या इंस्पायर बोल लो <laughs> <laughs> सर इंस्पायर बोलेंगे ना अपन अपन भी करते ना <laughs> <laughs> एक एक बच्चों का डाउट होता है वो पर्सनल लाइफ में क्योंकि उनको बहुत होता है तो सर आप जैसे यू नो you know, क्लास में रहते तो एकदम लाइट वेट थोड़ा मस्त माहौल में रहो पर्सनल लाइफ में भी ऐसे रहते हैं थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है देखो यार सर बीवी बोलती तो है बोले यार तुम बच्चों के साथ तो बड़े प्यार से ऑनेस्टली so, स्पीकिंग uh, मतलब ऐसे मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा तो नहीं आता है बट आई थिंक आई एम बेटर इन द्लास्ट परसन वो होता है मतलब मैं, मैं को 100 फील कर रहा हूँ <laughs> मतलब आज मुझे लग रहा है कैमरा भी सेम है <laughs> वो होता है, क्लास में क्या माहौल होता है वो एकदम फीलिंग आता है कहीं ना कहीं वो घर चलता एनर्जी ज्यादा है देखो सर आपकी वाइफ खड़ी आप माहौल की बात कर रहे हो अपन <laughs> <डिक> कर देंगे <laughs> वही, वही पावर है आपको भी देंगे सर आपको कुछ <laughs> पर एक बात आती है सर इतने सारे सब्जेक्ट है ऑडिट और रेफारी क्यों देखो सर इसमें भी फंडा एकदम क्लियर है आप बताओ सीए को कौन सी चीज का एक्सपर्ट माना जाता है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग लॉजिक है लॉजिक ज़्यादा है थोड़ा सा और कोई भी कभी सोचा सर टैक्स का भी तो यूज है ना देखो देखो सर आई मैंने कोशिश करी थी पर उसके अमेंडमेंट से मैं थकार गया पर तब तो मुझे ये नहीं मालूम था कि एफ में इंडेस आ जाएगा <laughs> मुझे समझ में आया कि मेरे पीछे अमेंडमेंट्स तो रहेंगे मज़ा भी आता है करेक्ट मैंने इसलिए आईडीटी लिया था मैंने आईटीसी में बहुत काम किया था आईटीसी एक्साइज ड्यूटी का टैक्स पेयर हुआ करता था सिगरेट्स बनाने में तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपोजर था आईडीटी में दैट्स व्हाई स्टार्टेड आई स्टार्टेड आईडीटी बट फिर वो अपने को समझ में आया कि यार अपना ज्ञान होना इंपॉर्टेंट ज्यादा अपना इंटरेस्ट होता है शायद कई बार इंटरेस्ट ज्ञान ले आता है ले आता है करेक्ट मतलब अब मैंने भी एक चीज देखी सर कभी कुछ हाँ, बात तो कैसा यार <laughs> <laughs> सर आपने। सर होता है कभी मन लगता है ना तो अपन क्या करते हैं यूट्यूब पे रात को दो बजे चार बजे फर्क नहीं पड़ता हाँ। लेकिन मन नहीं तो है तो बारह बजे यार बात है। अब जैसे आप यहाँ बुलाओगे अगले दिन सुबह छह बजे उठ के आ जाएंगे और तो पढ़ाई करना होगी बोले आ रहे अरे ये बात तो फैक्ट है बात तो फैक्ट है अबर, अब मतलब अब ऐसा है अगर अभी भी मान लो एफ ऑडिट छोड़ के कुछ पढ़ाना हो तो क्या पढ़ाओगे <laughs> सर ये मत पूछो यार <laughs> अरे कुछ तो कुछ, सर हिमालय पे ही जाएंगे बस इसके बाद मेडिटेशन हो गया हो गया, हो गया। पर

आया था सर एक समय आया था मतलब दैट वॉज वन पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना यू हैव अप्स एंड एंड सो आई थिंक दैट नॉट रियली कई बार होता है आप आई मीन स्टूडेंट्स के साथ भी होता है अपन सबके साथ होता है दैट यू डोंट स्टार्ट टेकिंग द राइट डिसीजन तो दे वॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे अपने को लगता था कि यार अपन कोई भी टाइम पे बैच ले लो कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो यू नो स्टूडेंट्स विल एक्सेप्टड एंड uh, फिर उस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार अपन एक गलत डायरेक्शन में चले गए बर्निंग आउट आर्स लाइक आठ आठ दस दस बारह बारह घंटे पढ़ाना एंड वन फाइन डे इट वॉज लाइक कि यार अपन क्या कर रहे हैं ये सब करके तो फिर आई डिट केम बैक और मैंने डैड को मेरे बोला भी कि बोले यार आई एम नाउ फेड अप अब मैं नहीं पढ़ा सकता मैं कुछ और करूँगा hmm. तो मेरे डैड नॉर्मली वॉज मैन ऑफ वन लाइनर्स और वो एक लाइन में ऐसा समझा देते थे कि अपने को उगालते समझ में आ जाते थे अपने तो ही सेट ठीक है क्या करेगा एंड उनको आप ऐसे कैजुअली जवाब नहीं दे सकते हो yeah. <laughs> तो फिर uh, मैं वापस आया उनके पास और मैंने बोला कि ठीक है पापा यही करूँगा पर अब ये नहीं जमा तो फिर आगे भले ही कुछ नहीं करूँगा तो देन यू रियलाइज़ किया यार आपने किसी चीज़ पे इतना समय दिया uh -huh. तो अल्टीमेटली यू नीड टू करेक्ट इट इफ़ भाई उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है स्कोप नहीं है आपकी पसंद का नहीं है तो बात अलग है पर आप गलत तरीके से कर रहे दे हो देन यू नीड टू मेंड योर वेज दिस इज़ एग्जैक्टली वट हैपन्स विद अ स्टूडेंट ऑल्सो सर सी ए का कोर्स इज आई थिंक वन ऑफ द ब्रिलियंट कोर्स आपको शायद कभी नहीं मिलेगा सी ए बेरोजगारी के जोक्स नहीं मिलेंगे आप लोग कंपेयर करते हैं सर आप देखो अटेम्प्ट की अपन बात करते हैं मेडिकल में आदमी जाता है तीस पैतीस साल तक पढ़ता है एक्चुअली एक्चुअली इंजीनियरिंग करके वो क्यों करता है एम बी ए करने के लिए यहाँ पे कम से कम मैं रिलेटेबल चीजें कर रहा हूँ सच ए ब्यूटिफुल कोर्स आपको हर दो बार एग्जाम साल में दो बार देने को मिल रही है न्यू कोर्स आ गया तीन चार बार भी मिलेगी आई मीन अपन बोल रहे हैं दो अटैम्प्ट बट वो दूसरों के लिए एक ड्रॉप है लोग दो दो तीन तीन साल ड्रॉप ले लेते हैं यहाँ पे वो छः अटैम्प्ट हो जाते हैं hmm. तो इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू मेंड योर वेज और ये वो होते हैं बट इट्स अ ब्रिलियंट कोर्स तो कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आपका इंटरेस्ट नहीं आप छोड़ रहे उससे ये बट इंटरेस्ट है आपका आपसे नहीं हो रहा है आप तरीके बदल दो यू विल कम आउट बेटर इन लाइफ चलो थोड़ी मैंने ज्ञान की बात <laughs> बात तो सही है कभी इस वे में सोचा नहीं। वो सोचना इसी से नजरिया से बात आती है क्या बोलते हो डेस्टिनी या हार्डवर्क आपके हिसाब से क्या डेस्टिनी पे विश्वास है सिर्फ डेस्टिनी काम करती है यार देखो बहुत बार कोशिश की सर कि डेस्टिनी पे विश्वास नहीं करें पर फिर साइरस मिस्त्री की आप न्यूज देखते हो तो आप बोल नहीं सकते कि डेस्टिनी नहीं होती है होती तो है सर और मैं यही मानता हूँ कि शायद जब तक आप हो इस दुनिया में तब तक आप फॉर्चून्स बदल सकते हो तो देर इज अ डेस्टिनी यू कैन चेंज इट नथिंग इज एंडेड लाइक यू नो यू लूज वैन यू डिसाइड योर लास्ट अपन सोचते थे कि मर्सिडीज बैंस ले लो ये गाड़ियाँ ले लो सिक्योर्ड है ये है वो है जो होना है वो नहीं होना है होना है लिखा हुआ पे विश्वास है कि हार्डवर्क पे विश्वास है आपका फिर इस बात पे चोड़ा मतलब चोड़ा सर ये तो दुनिया में जब तक है तब तक बदलते तो रहेंगे चीजें <laughs> <laughs> इसके साथ ही साथ एक छोटा सा हिस्सा था बाहर you know, so so, मतलब वो से से है? अपने कैसे किया वापस से मतलब सर वो इट्स वन पार्ट ऑफ द लाइफ इज आई ऑनेस्टली स्पीकिंग लॉन्ग फेस टू कम आउट ऑफ इट और जो हुआ हमारे साथ में एज फादर का हुआ एंड ऑल दैट तो उसके बाद में आई मीन छः महीने तक तो एवरीबडी इन द फैमिली और मैं वी वर काइंड ऑफ लॉस्ट विद सेंसेस हम कुछ भी नहीं थे मतलब और उसके बाद देन इट टुक अ लिटल बिट ऑफ टाइम आई मीन यस द टर्निंग पॉइंट वॉज मैंने अपनी फर्स्ट uh, उस समय मतलब मुझे याद है कि टीम से मैंने बात करी कि ये सब है टीम एक्चुअली उन लोगों ने मेरे लिए प्लान किया उनको समझ में आया कि यार ये बाहर तभी आएंगे जब ये पढ़ाना शुरू करेंगे mm. तो फिर उन लोगों ने लाइव पहले हम लोग लाइव लेते नहीं थे तो यूज टू तो बी ऑल रिकॉर्डेड या फेस टू तो फेस तो उन्होंने फिर पूरी सेटअप किया ऐप बनवाई और फिर पहली लाइव क्लास आई रिमेंबर 15 दिसंबर 2020 को स्टार्ट कराई विच वाज ऑनलाइन लाइव और आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट सर बिकॉज विद द स्टूडेंट फिर कमिंग बैक टू दो थिंग्स एंड देन यू रियलाइज़ की किया अल्टीमेटली देर आर सर्टन थिंग्स विच विल नॉट बी एबल टू चेंज बट ठीक uh, है अब लाइफ uh, में यू हैव लॉट ऑफ पीपल राइट विद यू तो सर तो बस इट इट वेंट लाइक दैट एंड फिर धीरे 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 उससे फिर ऐसे आए यस भी था बट आपने एक बार सर सी सोचा था सर देखो सी ए छोड़ने का कैसा था ना कि ऑनेस्टली मैंने कभी सीरियसली ऐसा नहीं छोड़ा वो जो एकदम से ऐसे फील आते हैं ना कि यार किसी दिन आप जैसे आप अपन तो पीते नहीं है पर बोलते ना यार कल रात को ज्यादा हो गई थी तो ऐसे मोमेंट्स वो आते हैं उस तरह के कि यार ऐसा हो जाएगा मतलब नॉर्मल आना चाहिए <laughs> देखो सर इंसान तो तभी रहेंगे आ, ये बात बच्चे भी बोलते बोले सर पढ़ते पढ़ते थक गए अब नहीं होना अब करना ही नहीं है तो फिर ये जो सिचुएशन आती है उसके आप कैसे डील करते थे उस समय मतलब सर मेरे केस में क्या था सीए मैंने ऐसा ऐसा कभी था नहीं मतलब आई वाज ऑलवेज इंटर तक मुझे लगता था यार ये क्या चल रहा है फाइनल में तो मुझे बहुत पसंद आ गया था कोर्स तो आई वॉज़ वेरी मच इन टू इट बट ये ज़रूर था शुरू में अपन थोड़े मुगालते में थे पर मेरे साथ एक अच्छी चीज़ ये हुई कि जब भी अपने मुगालते थे इंस्टीट्यूट ने एकदम दूर कर दिया मेरे इकोनॉमिक्स में चालीस आए थे सर फाउंडेशन में अच्छा <laughs> तो अपन पूरी तैयारी और शिद्दत से कि यार बारहवीं में मेरिट है अपनी कौन अपने को रोकेगा सी ए क्या है ये कौन सा कोर्स है मेरे मैथ्स में भी ठीक ठाक थे और फाउंडेशन में सबसे डिफिकल्ट आपका ही सब्जेक्ट होता है <laughs> तो अब बस हम मैथ्स पढ़ा करते थे और दे देते दे थे, थे पर फिर फिर मेरे आए तो अपने को रियलाइज हुआ कि यार रुक जाएंगे फिर उसके बाद चलती kind of subject, ऐसा। पर सर अब आपका एक सब्जेक्ट है ऑडिट जिसमें आपको मल्टीपल अमेंडमेंट आते हैं वो करो, ये सब करो तो खुद आपको तो पढ़ना पड़ता होगा तो फिर वो, वो, आ हो, तो वो कैसा लगता है मतलब वापस से, छह महीने पढ़ा रहे फिर एक चार पांच दिन अपन के पढ़ रहे <laughs> वो फिर इसके साथ सर मैं सही तो मेरा रोज़ घंटा आज भी पढ़ने में जाता है वेदर इट इज़ सब्जेक्ट बुक्स या का मटेरियल है या उनके पब्लिकेशन है या कोई मैगजीन है रिलेटेड है या कोई बुक है पर आई एम बुक्स मुझे पसंद है मैं बुक्स रीडिंग का मटेरियल भी पढ़ता हूँ उससे रिलेटेड दूसरा भी पढ़ता हूँ नहीं सर हाथ जल गए <laughs> <laughs> और फीस नहीं डुबा सकते <laughs> <laughs> तो कैसा रिश्ता था थोड़ा बताओ तो सही एक बार <laughs> <सर्मा, laughs> मेरे को तो याद है कि जब मैंने अपने थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं फिर अपने को दोस्तों से लगता है कि यार ये तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है तो पर इतनी मेहनत करके बना रहे हैं यहाँ कम मेहनत में तो मुझे याद है कि मैंने ऐसा किया मार्केट में लगाया और एक मोटा नुकसान हो गया सर मतलब मोटा मतलब अच्छा मोटा हो गया तो मैं वापस ऐसा कुछ भी होता था तो डैड वाज माय गो टू पर्सन तो मैं गया मैंने बोला पापा ये ऐसा हो गया तो पापा गए ही लाइन में जवाब था बोले सस्ते में छूट गया <laughs> <laughs> तो दैट्स अ लर्निंग ऐसा <laughs> अब एक क्वेश्चन है जो हमारे आज के क्वेश्चन लिस्ट में नहीं बट मुझे पर्सनली पता भी और बहुत सारे बच्चे ना मतलब क्यूरियस इस चीज़ को जानने के लिए मेरे हिसाब से आप जॉब रिलेटेड चीजों में भी इंडल्ज हो मतलब मेरे सबसे फास्ट जॉब भी कल परसों आपका स्टेटस भी देखा था मैंने व्हाट्सएप पे तो आपने कुछ ज्यादा भी जॉब रिलेटेड करेक्ट सर दो तीन में दूर करते हैं आज बहुत जरूरी है <laughs> इसको अपन अलग से वीडियो बना के डालेंगे <laughs> सर जो बच्चों की जॉब लगती है एवरेजली आज अभी नया बच्चा सी बना उसके कितना पैकेज लगेगा एवरेजली सर देखो आज का ट्रेंड अभी इट इज़ अ गोल्डन पीरियड सी के लिए ओके एंड स्टार्टिंग अगर किसी की लिमिटेशन नहीं है कि यार मुझे तो इंदौर में ही काम करना है ऐसा mm. कुछ है तो नौ लाख रुपए 8.5 normally big four is the benchmark तो okay. so big four आज की तारीख में साढ़े आठ लाख देता है ये आदर बल्क रिक्रूटर्स तो 8.5 to 9 लाख ,00 is pretty average mm -hmm. I will not say hundred percent but I will say anybody who is willing to take a job preparing for the interviews I think 50% of that crowd will easily get mm -hmm, mm -hmm. easily get it तो mm -hmm. so that is minimum sir okay और fast से आज तक highest package कितना लगा है किसी का sir 33 एक साल का <laughs> मैंने सोचा मैं अपना फाइनेंशियल सोच रहा था मैं तो गलत <laughs> <laughs> सर आपका एक महीने जुड़ता है अपडेटेड <laughs> 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 जब, जब जब है गूगल फॉर्म uh, okay. में बहुत ज्यादा अच्छे से अपडेटेड है की यू नो फास्ट जॉब के लिए एक बार तो हम लोग को फास्ट को जाना है तो एक ऐसी खुशी मतलब एक ऐसा कोई किस्सा आपको मालूम हो किसी बच्चे की जॉब जॉबॉब लगी हो ऐसा कुछ मतलब सर देखो थोड़े इमोशनल वाले हैं हाँ है। है। ये कहानी है हम लोग हम लोग क्या कोविड से पहले कैंपस कराते थे सर जैसे इंस्टीट्यूट का कैंपस होता है ऐसे वैसा एक दिन में चार पाँच कंपनी आती थी चार सौ पाँच सौ फ्रेश होते थे वहाँ पे तो दिस वाज इन डेली और ये डेलाइड का इंटरव्यू था सर एंड देर वॉज दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट वो गया इंटरव्यू दे के आया इफ आई एम रिमेंबरिंग करेक्टली फर्स्ट अटेम्प्ट और गुड स्टूडेंट ये बात है पाँच सात साल पहले की अब तो कम्युनिकेशन का इतना इश्यू नहीं आता है सी ए में बट दैट दो इट वॉज़ वेटी बैड आई मीन एवरेज कम्युनिकेशन वॉज नॉट एट पार सो वॉट हैपन दिस की वो बंदा इंटरव्यू दे के आया और वो बाहर आया एंड ई वॉज इन टू टीयर्स ऐसा यूजली होता नहीं है यू डोंट सी दोज इमोशनल आउटब्रेक्स देर राइट मैंने बोला यार क्या हो गया कुछ एंड mm -hmm. uh, उसके बाद फिर एज अ प्रोटोकॉल हम लोग अंदर गए हमने बात की तो जो मैनेजर इंटरव्यू ले रहा था बोले यार आई एम सो वेरी डायम इंप्रेस्ड विद दिस गायक दैट हिज नॉलेज इज बियॉन्ड एक्सेलेंस आई मीन इतना इसका सॉलिड थाट प्रोसेस है बट इसकी प्रॉब्लम है कि ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश अब मैं आज इसे अगर रख भी लूँगा mm -hmm. तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस ये बाहर हो जाएगा बिकॉज ही लाव अ कल्चर शॉक, बिकॉज दिस पीयर्स विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश ये बात नहीं कर पाएगा तो ये अपने आप में कॉन्फिडेंस इसका नहीं निकाल पाएगा बाहर तो फिर हमने बोला कि सर मुझे उसका बैकग्राउंड पता था तो ईज़ कमिंग एक सागर के पास में एक छोटा सा गाँव है उसके फादर वहाँ पर मजदूरी करते थे पत्थर तोड़ते थे तो वो बेसिकली ही वॉज ऑन अ डेली वेजेस जो अपन देवे भो बोलते हैं डेली रोजगार तो उनकी एक दिन की कुछ ऐसी सौ दो सौ पाँच सौ इस समय की जो भी रहती थी वो इनकम रहती थी तो मैंने उनको बताया कि सर ये इसका बैकग्राउंड है और ये उस बैकग्राउंड से उठ के यहाँ पर आया है उन्होंने बोला ठीक है दे स्पोक टू सम पीपल दे कॉल देम बैक उस पर्टिकुलर बंदे से वापस बात करी सर उसको जॉब ऑफ़र दिया गया और उसे कहा गया कि तेरे पास तीन महीने का समय है तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर और तीन महीने बाद हमें ज्वाइन कर एंड uh, फिर सर तब लगा कि यार ये डिग्री का पावर है सर hmm. क्योंकि अच्छा। डिग्री नहीं होती ना सर तो वो अंदर भी नहीं जा पाता ये सिर्फ डिग्री का पावर था और आप उसका सर जो बाहर आया उसने जब वो हो गया क्लियर हुआ और वो उसका आया उसका उसका एक स्टेटमेंट था जो आज तक ऐसा गूंजता है बोले सर जितना मेरे पापा साल भर में कमाते थे उतना शायद यहाँ पे मुझे एक दिन में मिल जाएगा

इसमें भी मतलब आप, आप जॉब में भी इन्वॉल्व हो एज अ फ्यूचर अभी बहुत सारा फाउंडेशन बच्चा भी अपने को देख रहा होगा एज अ फ्यूचर आपको क्या लगता है कोर्स सेफ है लॉन्ग टर्म के हिसाब से लाइक like, बहुत सारे लोग मैं मैं क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बहुत लोगों के मन में फियर होता है कि यार मैं तो कर तो लूँगा मेहनत भी करूँगा लेकिन जॉब नहीं अच्छी मिली तो मेरे को पैकेज अच्छा नहीं मिला तो मेरे जवान मतलब एक्चुअली तो आप देखो जो सबसे ज़्यादा हो <laughs> <laughs> वो तो गई, <laughs> <laughs> वो तो गई। <laughs> आप सत्रह अठारह साल में एंट्री ले रहे हो गए तो अच्छा सर? सर ऐसा है कि फॉल बैक है सीए अगर आप ऐसा है की आप सही समय छोड़ सकते हो ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है कि मैंने किया है भाई आदमी करता है ना मैं कैट की तैयारी आई के लिए कर रहा हूँ नहीं मिलेगा तो दूसरा कॉलेज ज्वाइन करूंगा ना मुझे पकड़ के नहीं रखना है कैन ड्रॉप एट पॉइंट्स हाँ बट ये है कि आप आज की तारीख में बात करोगे तो डेफिनेटली आयर प्रोफेशन इज नॉट अमंग्स द पीक इट इज़ नॉट एक्चुअली गोइंग टू दैट राइट फेज बट ये सर हमने मैंने जितनी साइकिल्स देखी है ऐसे बार बार साइकिल आए हैं सी ए के जहाँ पे वो ड्रॉप पे जाता है कोर्स चेंज होते हैं चीज़ें बदलती है देन अगेन इट पिक्स अप आपने देखा था सीपीटी जब आया था तो यू you नो know, कैसा होता था हर घर में बोले क्या कर रहा है सीए कर रहा है ये हमारे जमाने में तो लड़कियों को इसलिए भी सीए ए कराते थे तो बोले यार शादी कराने में इजी रहेगा तो बोले सीए कर रही है मतलब बिगड़ी हुई तो नहीं होगी ध्यान दे रही होगी तो कोर्स सर आज की तारीख में इट इज़ नॉट आई डिट स्पीक डेफिनेटली बात पैकेज की है जो आप पक्का लगेगा कोई इसमें डाउट नहीं है अनलेस देर इज पर्सनल आपका नहीं करना चाहते हो या कोई ऐसा एक्सेप्शन है हाँ बट ये अगर आप बोलो कि यार मैं जितना एफर्ट डाल रहा हूं क्या उतना रिटर्न मुझे मिल रहा है सी है के केस में तो शायद आज नहीं मिल रहा है इन फ्यूचर इन फ्यूचर पॉसिबल है बट ये जरूर है सर कि जो आपका एक वो बोलते ना यार कि सफर इम्पॉर्टेंट है डेस्टिनेशन से तो ये बात जरूर है सर कि आप इतने मजबूत तो बन जाते हो कि मुझे लगता है किसी ने सीए इंटर भी अगर पास किया है फाइनल भी अगर वो ड्रॉप करता है वो बंदा मजबूत तो रहता है वो जो भी काम करता है करता तो अच्छे से ज्ञान तो मिली रहे ज्ञान है एंड आई फॉर डिटेल है सर तो आई डोंट थिंक ही रिमेन एनी टाइम डिपेंडेंट फाइनेंशियली तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और रही बात सर आप कितना ऊपर जाते हो तो वो तो पिरामिड है सर वो कोई लिमिट भी, भी नहीं बात है लोग इतने साल से मेहनत कर रहे हैं अडानी सेकंड आज हो जाएगा क्या चल रहा है मैंने बोला इनको भी ये पता पड़ता होगा यार आज ऐसा हो गया क्या मतलब आज मैं भी स्टडी करते करते देख रहा था उनका फर्स्ट मतलब पता नहीं किसी फर्स्ट भी पहुंच जाए कुछ

वो तो नंबर्स पसंद है सर <laughs> कैसे <laughs> कभी कभी तो <laughs> मेरे साथ बचपन में था, मतलब था। कि सौ दे दे तो क्या करवा <laughs> <laughs> तो, तो क्या वो... किया गया सर आपने उसका जैसे आपने कहा ना सर भ्रम टूटता है मेरा भी रिसेंटली आई थिंक एक हफ्ते पहले भ्रम टूटा मैंने क्लास में भी कहा था मतलब इंसान को ज्यादा पैसा नहीं चीज नहीं लिए

आपके हिसाब से जो आज बच्चा पढ़ रहा है वेदर इज़ फाउंडेशन इंटर फाइनल अगर उसे जॉब अच्छी चाहिए या फिर कुछ ऐसे पैरामीटर्स जो उसे ध्यान रखने चाहिए या समथिंग ही नीड ही नीड टू स्टार्ट डूइंग सॉफ्ट स्किल हो सकता है या कुछ भी जो आपको लगता हो देखो सर ऐसा है कि इट डिपेंड सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आग बिग फोर से आर्टिकल चिप कर रहे हो और सी कर रहे हो आई थिंक दैट इज़ सफिशियट तो यू हैव टॉप ट्वेंटी ट्वेंटी फॉर्म से बहुत सॉलिड एक्सपीरियंस है और आप ये कर रहे हो आपके पास टाइम बचेगा नहीं आप इसको अच्छे से कर लो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लो न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल दो बुक्स पढ़ने की हैबिट डाल दो कोई भी एक नॉन सी एक्टिविटी में इंगेज कर लो भले ही यारी दोस्ती हो कोई गेम हो कोई इंस्ट्रूमेंट हो या कोई पढ़ाई की चीज़ हो इट विल जस्ट कीप योर माइंड रोलिंग टू अदर थिंग्स क्रिएटिविटी बनी रहेगी तो एक समय के बाद आपको लगेगा पर अगर आप आर्टिकलशिप आप आप आपकी बहुत सॉलिड नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यू में जस्टिफाई करना पड़ेगा योर एडिशनल स्किल्स इट कुड बी स्ट्रांग एकेडमिक स्किल्स सम अदर स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन एंड अदर्स तो बेस्ट इज़ आर इंस्टीट्यूट के जैसे कासा विकासा जितने भी होते हैं आप उन सब फोरम्स में बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए क्या होता है कहीं ना कहीं उसमें डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट आउट बनता है तो यू यूज योर टाइम इंस्टेड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग एंगेजिंग इन टू थिंग्स मेक दोज फोर पीपल फील एन अबाउट यू कि और इसके पास टाइम है तो ये ये कर पा रहा है हम नहीं कर पा रहे रादर देन वी एटिंग एन अबाउट अबाउट यार उसके आर्टिकल छिपैसी है मैं क्या कर लूँ तो आई होप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को मिली ज्यादा अदर करिकुलर एक्टिविटीज शायद सर बता पाएंगे बेहतर <laughs> 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 एक ही जिंदगी सर जियो खाओ पियो मजे मैं तो <laughs> नहीं आई एग्री ये सर हसल है। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई थी आपसे बट फर्स्ट टाइम आई मेट यू एक्चुअली अपनी बात फोन वन पे हुई थी बट आई कुड सी द एनर्जी यू हैड एंड इट वाज़ कमिंग और जो स्पीड थी मतलब एक गणितज्ञ में जो रहता है ना कि यार माइंड प्रोसेसिंग फास्ट एक्शन वर्क डिलीवरी सब कुछ सर यहां पे अपना डिस्कशन सेशन खत्म होता है अब एक थोड़ा एकदम अच्छा सेशन है जिसका नाम है दिस और दैट Okay. अपना सेकेंड सेशन है okay. जिसमें आपको क्वेश्चन uh, मिलेंगे टोटल पंद्रह सोलह क्वेश्चन रहेंगे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको सिर्फ आंसर बता रहा है और okay. एक ही कोई आप वो भी नहीं बता सकते कि ऐसा इसलिए तो सर आप गारंटी दो पहले आप भी क्यों नहीं पूछोगे <laughs> <laughs> नहीं, नहीं, हो सकता है। <laughs> यही बस यही है। जो पूछना पूछ सकते <laughs> कुछ भी लिखा हुआ है फिर भी पूछ सकते <laughs> सर पहला क्वेश्चन आपको फॉर्मल ज्यादा पसंद है फंकी ज्यादा पसंद है सर ये तो मूड डिपेंडेंट बात हो गई क्लासेस में अगर आपको आज पहन के जाना तो बड़ी भैया उम्र के हिसाब से आज की तारीख में फॉर्मल बट <laughs> अगर यही चीज आज आज इमेजिन यूर सेल्फ एज 25 फाइव फोर क्लास में बच्चे बैठे हुए मजे मार रहे हो तब तो, तो सर एकदम अपन चटक पीला पहन के जाते हैं <laughs> ट्रेवलिंग के लिए इंडिया या फॉरेन? सर टाइम ही नहीं मिलता है <laughs> <भी> <laughs> नहीं, नहीं, <laughs> फिर भी एक जो आपकी डेस्टिनेशन फेवरेट हो ऐसा कुछ हो आई वॉन्ट टू ट्रेवल आउटसाइड इंडिया ऑल्सो सर तो मैंने भारत बहुत एक्सप्लोर कर लिया है तो बाहर जाने की है चाहत काफी अभी गए हो कभी हाँ सर पर बोलना पूछना मत कहा कमेंट में बैचलर्स फर्स्ट डेस्टिनेशन फैमिली <laughs> ट्रिप <laughs> या सोलो ट्रिप फैमिली ये सेफ्टी में था नहीं सर बचपन से ही है इंटर पढ़ाना ज्यादा पसंद करोगे फाइनल <laughs> अरे यार सर ऐसा मत करो <laughs> ये तो ये तो ऐसा हो गया ना बचपन में पूछते बोले मम्मी और पापा कौन से पसंद है <laughs> <laughs> तो सर ये समझ लो कि फाइनल तो बोलना ही है क्योंकि इंटर वाले भी आएंगे तो भाई वहां दोनों मिलेंगे ओडीटीआईएफआर सर ये तो क्या है ना कि अभिन्न अंग है सर तो आई थिंक सीए आई वुड चूज दैट नहीं 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 ओडी या फाइनल आप टैक्स ले सकते हो छूट आपको टैक्स तो छोड़ दो सर जब जब तो तेक्स। तेक्स। आ, सर क्या है ना देखो है 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 सर 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 सर, सर, <laughs> <थी नहीं> सर। <laughs> मुश्किल यार चूज़ करना क्यों बताओं? अगर अगर क्योंकि क्या है ना सर, अगर न्यू कोर्स एक आध सब्जेक्ट हटा देते तो मैं बोल भी देता <laughs> पॉलिटिकली करेक्ट रहता कि भाई चलो यही पढ़ाना है आगे लॉजिकली सही है ठीक है कोई बात नहीं तो विदाउट बियर्ड और ऐसा क्यों सर मैंने बनाई थी ऐसा नहीं है

इंदौर इज स्ट्रीट फूड या कॉन्टिनेंटल फूड स्ट्रीट सर नो डाउट इंदौर में ऐसी कोई स्पेसिफिक जगह जहां खाना बहुत पसंद हो क्योंकि मैं इंदौर का अपने इंदौर के खाने को बहुत प्रमोट करता हूँ मैं सर बताना हूं, मैं बताना चाहता हूँ मैं चेन्नई में था हाँ. मेरी क्लास में बोलता था नाश्ते में तुम कुछ नहीं खाते मैं पोहे खाता हूँ मतलब आई यूजअली प्रमोट इंदौर फूड इसलिए मतलब मैंने आपसे पूछा खाऊ गली खाई थी सर आपने कभी हाँ सर करे सांझा चूल्हा ये सब सर आपने को वो थोड़ा <laughs> वो दे रहे हो <laughs> <laughs> मैं आज तक बोलता था मैं इंदौर रोड करवाऊंगा मैं ऑप्शन देता हूँ सर लाल बाल्टी खाना लाल बाल्टी अरे सर बहुत मिर्ची है आप <laughs> <अरे laughs> नहीं आप <आगा। laughs> चलो आ, आपको बुक रीडिंग पसंद है या सेल्फ स्टडी डे पसंद है वैसे आपने कहा बट सर बुक्स 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 समर पर्सन या विंटर पर्सन विंटर सर बीच अमाउंट बीच बीच कोई स्पेशल जगह गोवा ही बोलते जरा भी तो रील्स देखना पसंद करते हो शॉर्ट्स देखना पसंद करते हो कि देखते नहीं हो नहीं सर मतलब ऑनेस्टली uh, तो रील्स तो मुझे बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं थी आती का <laughs> फिर आई गॉट टू नो कि इंस्टा में अपन जो देख रहे हैं उसे रील्स कहते हैं बट आई थिंक शॉर्ट्स यस ग्लासेस और विदाउट ग्लासेस चश्मा बहुत हेडेक दे तो है हां सर है तो सही <laughs> <laughs> देन दैट रिफ्लेक्शन आता है एक तो कैमरे में आपको भी आता आ वो, वो आ रहा है वो ग्रीन स्क्रीन पीछे से आ रही है। वो वो पीछे से रही साफ कर देता हाँ, है। वो अच्छा वो हम लोग शूट करते हैं हमने नया चैनल चालू किया फाइनेंस के ऊपर तो हम लोग शूट करते हैं अभी कुछ छह महीने में तीस एक हजार सब्सक्राइबर हमने कर लिए तो दैट इज गोइंग गुड शूट मैं करता हूँ ना सर मैं बहुत बार शूट कर लेता हूँ पर बोलता है ये डिलीट मिला क्यों ग्लासेस पहने था आपने मतलब आर बार हो गया हां बोलो आर बार हो गया बोले ये हो गया अरे मिला यार निकल गई मतलब चॉकलेट के ऊपर है क्योंकि आपने डिस्कशन किया था तो फेरेरोश या फिर कैडबरी सिल्क कैडबरी सिल्क ऐसा कुछ कुछ रिलेशन है क्या हां सर है <laughs> <laughs> मुझे ये जानना था आंसर मैं बताता हूं एक आपके पास ऑप्शन है आपको आप इंट्रोवर्ट रह सकते हो 100 डे के लिए या फिर आपको हर चीज हंसते हुए बोलने आपको आंसर भी हंसते हुए देना पड़ेगा कि ऐसा <laughs> तो मैं पसंद करूंगा अभी निकल जाऊंगा उस बार ऐसे मजा नहीं आ रहा <laughs> नहीं, नहीं, है तो <laughs> <थो गी। laughs> अच्छा <laughs> इंटरनेट और विदाउट इंटरनेट छूटता नहीं है सर नेट तो बोल थिंक बीस साल और है अभी तो फिर उसके बाद शायद आंसर बदल जाए फ्रेंड्स टाइम या टीचिंग टाइम पॉलिटिकली hmm, शायद मैं सही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बट ऑनस्टली स्पीकिंग क्या होता है एक पॉइंट तक फ्रेंड्स टाइम आई यू नो इट्स वेरी स्पेशल एंड इट्स वेरी पॉइंट टू पॉइंट बहुत कम होता है टीचिंग यू आर मोस्ट ऑफ द टाइम और मैंने देखा है कि वेन आई एम डाउन आई स्टार्ट टीचिंग एंड आई मैं जब डाउन होता हूं, मैं लाइव लेता के ले 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 हूं, ले ले हूं, साथ मजा आता है लास्ट <laughs> क्वेश्चन सर जॉब या बिजनेस बिजनेस कभी वापस से मौका मिले तो जॉब पे वापस जाओगे आपको मिलेगा दो सौ करोड़ और लाइफ में रखो <laughs> सर अब थर्ड सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो है चिट चैट अब इसके अंदर बेसिक है सर आपको एक फैकल्टी ये इसमें आठ फैकल्टीज के नाम है आपको किसी भी एक फैकल्टी के बारे में कुछ भी बोलना जो आपको लगता कोई अच्छी याद हो कुछ भी किस्सा हो कुछ अच्छा। भी अच्छा। <laughs> फोन कॉल हो क्योंकि मिलते तो बहुत कम ही है आजकल तो वैसा किसी भी फैकल्टी का आप ले सकते हो और कुछ भी बोल सकते हो चलो सर ये तंबोला वाली फीलिंग आ रही है नाइन नाइन नाइनटी नाइन, नाइन, नाइन अरे वाह जतिन डिमला आया अब तो आ गया सर नहीं, नहीं ये हुई ना बात सर आज तो किस्मत तेज है अपनी नहीं नहीं सर ये तो इस पे तो बोलेगी बोलेगी सर एक और पे बुलवा लेता बोले कुछ देखो सर आपके बारे में तो बोल ही दिया मैंने मतलब मैं आपको किस्सा बताता हूँ आप जब पहली बार अपन लोग बातचीत कर रहे थे इफ़ यू रिमेंबर अपन फाउंडेशन कुछ प्लान कर रहे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो अपनी मैथमेटिक्स हाँ। के लिए बात हुई हाँ। थी एंड देन वी वर सिटिंग टुगेदर फिर सब गए तो मैंने बोला मतलब हम लोग सब टीम में बैठे हुए थे मैंने बोला यार देखो क्या एनर्जी है एंड ही इज़ डूइंग सो मेनी थिंग्स मतलब ऑनेस्टली सर मैं बताऊँ वो कल लव आजकल देखी होगी ना तब हम भी ऐसे देखा जाए तो हम वो ऋषि कपूर और आप सेफ वाली स्टेज में आ गए हो

मतलब मैं भी 100% टीचिंग टाइम बोलता हूँ मतलब भैया क्या आ, होता है टीचिंग इज लाइक like, वो एक मेडिसिन तरह काम करती है बहुत बार सही बात है मंडल हो रहा टीचिंग कर लो वो आई थिंक सर फ्रेंड्स टाइम वो हो गया वो एज थी हाँ। उसमें खूब दोस्ती यारी कर ली और वो ऐसा नहीं है मन भर जाता है बट हार्ट ही क्या लिमिटेड फ्रेंड्स और टाइम लगता है हाँ और हाँ, 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 वो सर शुरू में होती लिस्ट फ्रेंड वन वो सौ दोस्त हो रहे हैं क्लास में और भाई तू मेरा दोस्त है एक समय आता दो लोग भी मुश्किल से मिल जाए वो जाता क्लास है क्लास में तो दोस्त ज्यादा बनाने का फायदा भी होता था ना बोले यार तेरी सबकी भाभी है एंटी कॉम्पिटेटिव सर एक और फेंक फैकल्टी अरे सर हो गया अरे <laughs> नहीं नहीं बोले अर्चना खेतान चलो आपने भी मतलब सर एकदम ढूंढ के निकाले जो कनेक्शन में है अर्चना मैडम तो आई I मीन mean, मेरी बातचीत व्हाट आई रिमेम्बर अबाउट हर तो वन एस एफ एम बढ़ाने वालों की सर एक बड़ी सही बताए ना तो एक बहुत सॉलिड किस्मत है कि एक तो ये एस एफ एम बढ़ाते हैं इनको स्टॉक मार्केट का अच्छा ज्ञान होता है तो ये पैसा लगाते हैं मार्केट में और फिर ये बताते हैं तो कभी बातचीत निकलती है ऐसे मैडम कभी बताती नहीं थी बट देन वेन वी यूज़ टू टॉक तो यूज़ टू तो रिलेट कि यार एस एफ एम बढ़ाने के फायदे तो थे <laughs> अपन फंडामेंटल रिसर्च में रह गए काम तो ही आती है बट वेरी यू नो अनदर वेरी नाइस पर्सन एंड क्या बोलते थे जैसे आप बात करते हो किसी से फैकल्टी से mm -hmm. तो एक कैसा होता है आप फैकल्टी से बात कर रहे हो तो यू टॉक इट लुक्स की यार धंधे की बात बिजनेस की बात इंडस्ट्री की बात ये सब हो रही है और एक ऐसा होता है बोले यार जो बात करते हैं तो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं मतलब यू नो नंबर्स आर सेकेंडरी, रही प्राइमरी थिंग इज समथिंग। आई थिंक शी इज दैट पर्सन बटसे गुड आई मीन क्या मुझे लगा कि बस uh, साथ में किसी और को बुला लेते तो कॉफ़ी विद करा फील आ जाता आ, मेरी इच्छा थी सर मैं राउंड टेबल करना चाहता हूँ बट वो होता ही नहीं है चीजें साथ नहीं देती है बट करेंगे एक दिन पक्का करेंगे लोकेशन डिसाइडेड है आ, सर बहुत सारे बच्चे ने आपको देखा है तो एनी एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को बोलना चाहते हो जो दे आर डूइंग इन योर लाइफ आपने जो मतलब यू नो एक्सपीरियंस यू यार ये चीज नहीं करनी चाहिए आई मीन सर इज वेदर इट इज योर फेलियर एंड विथ वॉट स्पीड इट विल चेंज क्या होगा नथिंग इज़ परमानेंट मतलब आप वही वाली बात है सर आपको लगता है कोई चीज़ नहीं हो रही है नहीं हो रही है गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है कई बार यू नो दो थिंग्स चेंज तो इफ यू आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज इट विल चेंज इफ यू आर गोइंग थ्रू अ गुड फेज वी होप इट वॉन्ट चेंज एंड इफ यू आर कमिटेड मे बी इट वे नॉट चेंज फॉर अ लॉन्ग पीरियड बट थिंग्स चेंज तो वो चीज़ दिमाग में रखो तो लोड थोड़ा कम रहता है लाइफ में ऐसा लगता नहीं है कि यार

बट ये आपका वाला था अपन ने महीने भर पहले बात करी थी तो मेरी इच्छा थी कि यार मैं यहाँ पे आऊंगा एंड बिलीव मी दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम एक्चुअली आई गिवन अ लॉट ऑफ यू नो ऑनलाइन ये वो चलता है ऐसा वैसा पर आई यूजअली काइंड ऑफ अवॉइड दीज थिंग नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन पर ये पहली बार ऐसे आपके साथ बैठ के इस तरह के एक एनवायरमेंट में तो आई मीन इट इज वंडरफुल मीनफुलर सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो प्लेज